ओके बच्चों, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम क्लासिकल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेजेस से क्वेश्चन देखा गया है, जी के एस एस बी पूछता है उससे लैंग्वेजेस से क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है जुबेर, बट स्टिल आई विल चेक। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट फिर। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन आया हुआ है जे के एस एस बी के द्वारा। सबसे पहले क्या है क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है? देयर आर करंटली सिक्स लैंग्वेजेस दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस ऑफ इंडिया। छह क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, अगर हम बात करें, जो कि क्लासिकल स्टेटस के अंदर ली गई हैं। सबसे पहले जो था, सबसे पहले 2004 में किसको डिक्लेयर किया गया? 2004 में सबसे पहले किसको डिक्लेयर किया गया? तमिल लैंग्वेज को। किसको? तमिल लैंग्वेज को 2004 में डिक्लेयर किया गया क्लासिकल लैंग्वेज। क्या डिक्लेयर किया गया? क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, अगर हम बात करें, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, बेसिकली ये जो कैटेगरी है, ये उन लैंग्वेजेस के हैं जिनके 1600 से लेकर 2000 साल पहले तक के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एंशियन लिटरेचर, टेक्स्ट वगैरह, इन लैंग्वेजेस के हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड उन लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना स्टार्ट करा। सबसे पहले किसको दिया? तमिल को। तमिल लैंग्वेज को सबसे पहले 2004 में क्या दिया गया? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ओके बच्चों, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वॉज गिवन टू विच लैंग्वेज? किसको दिया गया है? तमिल को। एंड तमिल कहाँ पर बोली जाती है? बताओ बताओ, तमिल कहाँ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज बोली जाती है तमिलनाडु में। कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद सेकेंड इज संस्कृत। संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया, एंड ये बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, एंड उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो संस्कृत लैंग्वेज को कब मिला स्टेटस? 2005 में। ठीक है, डेट्स भी थोड़ी याद रख लेना, क्योंकि डेट्स भी कभी कभी पूछी गई कि कौन से ईयर में इसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया। ओके, उसके बाद कन्नड़ा जो है, कन्नड़ा को कब दिया गया? 2008 में। कब दिया गया? 2008 में, एंड 2008 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है, ये कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका। कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका। उसके बाद बात करते हैं, कन्नड़ा को दिया गया 2008 में, एंड 2008 में एक और लैंग्वेज को दिया गया जो थी तेलुगु। क्या थी? जो तेलुगु। एंड तेलुगु जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश। कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करेंगे मलयालम। 2013 में मलयालम को स्टेटस, क्लासिकल स्टेटस दिया गया। ओके, एंड 2013 में इसको स्टेटस दिया गया। जो मलयालम है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है केरला में। कहाँ बोली जाती है? केरला में। ओके, 2013 में। एंड लास्ट जो क्लासिकल स्टेटस जिस लैंग्वेज को दिया गया, दैट इज़ ओडिया, और वो बोली जाती है ओडिशा में। कहाँ बोली जाती है? ओडिशा में। ठीक है, अपने नोट्स में ये भी साथ साथ लिखते जाओ। ओके बच्चों, ओके, तो ये पढ़ लिया हमने। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? सिक्स लैंग्वेजेस हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद सबसे पहले किसको डिक्लेयर किया गया? तमिल को 2004 में। उसके बाद संस्कृत, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। ओडिया वॉज गिवन द लास्ट स्टेटस दैट वॉज गिवन टू लैंग्वेज, क्लासिकल स्टेटस वॉज गिवन टू ओडिया लैंग्वेज। ओके, एंड ये जो सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, किस शेड्यूल के अंडर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये है एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया जाता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भूलनी है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकग्नाइज लैंग्वेजेस। ऑफिशियल रिकग्नाइज लैंग्वेजेस जो हैं,
वो कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 22 लैंग्वेजेस. कितनी लैंग्वेज है, ये भी 8th स्केड्यूल के अंदर क्या है, 22 लैंग्वेजेस को स्केड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा, ऑफिशियल रिकोगनाइज लैंग्वेज या ऑफिशियल स्केड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है. एंड इनमें से कौन कौन सी हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कुनकानी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी. तो इसका मतलब उर्दू जो हमारे JNK में बोली जाती है, JNK में है, डोगरी, राइट, ये दोनों लैंग्वेजेस, कश्मीरी, राइट, ये भी इसमें क्या है, स्केड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है. एंड ये किसके अंडर आता है, 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको ये जो 22 लैंग्वेजेस है ना, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इन लैंग्वेजेस को भी याद रखना है. अभी इसके बारे, इसके आगे मैं ये बताऊंगी कि ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी स्टेट में बोली जाती है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. ओके, सबसे पहले ये जो लैंग्वेजेस 22 हैं, अभी जैसे मैंने बताया 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी. उसके बाद हर साल या हर साल में, किसी साल में कुछ लैंग्वेजेस को ऐड करके इन्होंने क्या उसमें ऐड किया, वो लैंग्वेजेस. सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967. उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड इन 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली वॉज एडेड इन 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसको केम इन टू फोर्स इन 2004. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे डोगरी, राइट, डोगरी हमारी लैंग्वेज है JNK की, एंड इसको कब ऐड किया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि डोगरी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था. इट वॉज दे वर एडेड इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ड्यू लैंग्वेजेस में 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको ऐड करा गया था. किसके अंडर ऐड किया गया था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, ये चीज़ें भी अपने दिमाग में रखना. ओके, उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि जैसे हमने लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस पढ़ी, राइट, वो कौन कौन सी स्टेट्स में बोली जाती हैं. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ईयर ऑफ रिकग्निशन बताया हुआ है कि कब इसको रिकग्नाइज करके ऐड किया गया, एंड बाकी जो लैंग्वेजेस मैंने बताया रिसेंटली जो ऐड हुई हैं 2020. करते हैं इनके बारे में बात. सबसे पहले असमीज लैंग्वेज, कहाँ असमीज कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है असम में. 1950 में इसको ईयर ऑफ रिकग्निशन दिया गया. ईयर ऑफ रिकग्निशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो 14 तो ऑलरेडी 1950 में ही आई हैं. उसके बाद जब मैंने अमेंडमेंट एक्ट्स जो बताए, 1967 में एक आ गई, 1967 में सिंधी आ गई, 1992 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ये तीन आ गई, राइट. उसके बाद 2004 का जो हुआ था अमेंडमेंट एक्ट, दैट वॉज बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथली. तो ये हमें ऐसे भी पता चल गया. ठीक है बच्चों, असमीज मैंने बताया कहाँ बोली जाती है, असम में, बंगाली वेस्ट बंगाल में, गुजराती गुजरात में, हिंदी हमारे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, कश्मीरी पता है हमें जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, कन्नड़ा मैंने अभी बताया, कर्नाटका, कन्नड़ा क्या है, कन्नड़ा किस में है, क्लासिकल लैंग्वेज भी है, राइट, कन्नड़ा मैंने बताया क्लासिकल लैंग्वेज भी है. एंड ये कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका. मलयालम भी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये कहाँ बोली जाती है, केरला में. मराठी स्पोकन इन महाराष्ट्र. ओडिया भी क्लासिकल लैंग्वेज, जो लास्ट क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस जिसको दिया गया है, दैट इज़ ओडिया. क्या है, ओडिया, जो बोली जाती है ओडिशा में. एंड पंजाब हमें पता है बच्चों, पंजाब कहाँ बोली जाती है, पंजाब इज़ स्पोकन इन पंजाब. ओके बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको स्टेट्स का पूछा जाएगा कि दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट. तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद आ गया संस्कृत. संस्कृत कहाँ पर बोली जाती है, कर्नाटका. तमिल आ गया, तमिलनाडु. तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. उसके बाद उर्दू अगर बात करें तो उर्दू हमारी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राइट. उसके बाद सिंधी, सिंधी इज स्पोकन इन राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. ओके, बोली भी जाती है एंड इट इज़ अंडर स्केड्यूल लैंग्वेजेस, राइट. मणिपुरी कहाँ की है, मणिपुरी इज़ लैंग्वेज ऑफ मणिपुर.
नेपाली कहाँ बोली जाती है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। बोडो कहाँ पर है? असम। बोडो लैंग्वेज कहाँ पर है? कहाँ, कौन सी स्टेट ही है? असम एंड मेघालय। उसके बाद डोगरी की बात करें तो डोगरी कहाँ पर है? जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मैथिली की बात करें, इट इज़ स्पोकन इन बिहार एंड झारखंड। एंड उसके बाद संथली की बात करें तो ये कहाँ की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है? वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। ओके, तो ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर इनको क्या, स्केड्यूल लैंग्वेजेस के अंडर दर्जा दिया गया। ठीक है बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, जो 22 लैंग्वेजेस हैं एंड ये कहाँ पर बोली जाती हैं। डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अशरफ, मैंने आपको बताया ना, डेट आपको खुद पता चल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो 14 लैंग्वेजेस थी वो 1950 की ही हैं, राइट? उसके बाद जो हमने, अगर आप एलिमिनेशन से भी चलोगे, अगर 1967 अमेंडमेंट एक्ट जो आपने अभी पढ़ा, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, यहीं पर हमने लर्न कर लिया कि सिंधी लैंग्वेज को दिया गया है। तो ये इसमें किसके बताया है, 1967 में सिंधी लैंग्वेज, राइट? 1992 का जो 71st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें हमें ऑलरेडी पता है कि तीन लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है? एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी, उसमें क्या ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो ये मैंने वही लिखा हुआ है, ये चार 2004 की और ये चार, ठीक है? ये उस अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर इनको ऐड किया गया। इम्प्लीमेंटेशन वॉज डन इन 2004। ठीक है बच्चों, ये कर लिया हमने लैंग्वेजेस में, ये हो गया क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट होती हैं, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, ठीक है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती हैं हर स्टेट में फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ या रिकग्नाइज जो वहाँ पर हैं, राइट? अब बोली भी जाती हैं साथ में, तो वो कौन सी स्टेट्स हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, तो इनको भी एक बार गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले स्टेट आंध्र प्रदेश, उसकी क्या है, तेलुगु। इंग्लिश किसकी है, अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना। इंग्लिश किसकी है, इंग्लिश किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। असम का भी पढ़ा, असमीज हमने। बिहार एंड छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। उसके बाद गोवा, कोंकणी एंड इंग्लिश इज ऑफ गोवा। गोवा पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कोंकणी एंड इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, गोवा में, एंड इंग्लिश एक और कहाँ जगह बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है बच्चों? उसके बाद गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, हिंदी। क्या लैंग्वेजेस इसके ऑफिशियल, दैट इज़ हिंदी। कर्नाटका का भी हमने पढ़ा, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला, राइट? ये कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी पहले पढ़ ली, ये दिस ऑल और रिपीटिंग। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दैट इज़ मराठी। उसके बाद मणिपुर की मणिपुरी पढ़ी हमने। मेघालय की भी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश, राइट? मेघालय की भी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश। अगर हम देखेंगे हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, इसको छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश की भी इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, मेघालय की भी इंग्लिश है, नागालैंड की भी इंग्लिश है, मिजोरम की मिजो है, ओके? उसके बाद ओडिशा हमें पता है, ओरिया। पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिक्किम में फिर से इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज एंड लेप्चा, ओके? लेप्चा इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उसके बाद हम चलेंगे तेलंगाना पे, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। त्रिपुरा में क्या बोली जाती है, त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, कोकबुक बोली जाती है, ओके? कोकबुरोक बोला जाता है। उसके बाद हम यूपी में एंड उत्तराखंड में, दोनों में हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में बंगाली एंड इंग्लिश, ठीक है? तो ये लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ गई स्टेट की। उसके बाद स्टेट की मैंने आपको सारी बता दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे
किसकी, यूटी की। तो यूटी सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद बात करेंगे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दैट इज इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश। नेक्स्ट इज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी है गुजराती, कोंकणी, मराठी एंड हिंदी, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली की क्या है, दिल्ली की इज हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद बात करेंगे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की इज मलयालम, लक्षद्वीप की इज मलयालम। जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट, हमारी जम्मू एंड जे एंड के की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, दैट इज कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। क्या क्या है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख में क्या है, लद्दाख में ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट इज लास्ट इज पुडुचेरी, पुडुचेरी की क्या है, तमिल, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया। लैंग्वेजेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्या है वो, क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं भूलनी आपने, ठीक है बच्चों, क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं भूलनी आपने। क्लासिकल जो हमारी 6 लैंग्वेजेस हैं एंड इनका ईयर कौन से ईयर में ये आई है, फर्स्ट एंड लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सारी आपको लर्न करनी है। और दूसरा, ये कौन सी स्टेट्स में बोली जाती हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस में ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद ऑफिशियल रिकग्नाइज लैंग्वेजेस जो हैं हमारी, जो हमारी स्कड्यूल लैंग्वेजेस हैं, वो कितनी हैं, 22, कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22, ठीक है। और ये 22 का नाम मैंने लिखा हुआ है इस पर, राइट, ये सारी 22 लैंग्वेजेस आ गई हमारी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई हैं जिनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड करा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उसके अंडर कौन कौन सी लैंग्वेज को स्कड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। तो ये आ गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज डोगरी, लर्न आपको सब करना है, ये आपको लर्न करना है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी, उसके बाद स्कड्यूल लैंग्वेजेस कौन सी है, कौन सी अमेंडमेंट में, कौन सी अमेंडमेंट के अंडर किस लैंग्वेज को ऐड करा गया है, डोगरी को कौन सी लैंग्वेज में ऐड, कौन से अमेंडमेंट के अंडर ऐड किया गया है, राइट। उसके बाद हमने कौन कौन से जो एरियाज हैं, कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मतलब ये जो लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी स्टेट्स में बोली जाती हैं, तो हमने ये भी पढ़ लिया, राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, राइट, तो हमने ये सारा पढ़ लिया, संस्कृत वगैरह, ये सारी 22 लैंग्वेजेस, स्कड्यूल लैंग्वेजेस कौन कौन से एरिया में पढ़ी बोली जाती हैं। उसके बाद हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ ली, जिसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग ऑफ एवरी ऑफिशियल वर्क इज़ डन इन विच लैंग्वेजेस, वो हमने देख ली, राइट। तो ये भी सारी लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमने सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, ओके, ये हमारा सारा स्टेट्स का हो गया। एंड लास्ट हमने क्या करा, लास्ट हमने करा है दैट इज़ ऑफ यूटीज, एंड यूटीज़ में मैंने बताया कि जेएनके का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेएनके में हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं, 5, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये है किस पे, लैंग्वेजेस पे। कोई क्वेरी बच्चों, क्लासिकल लैंग्वेजेस बच्चे 6 ही हैं जिनको अभी तक स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेजेस का, राइट। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आप बोल रहे हो, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये हमने पढ़ ली, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने देख ली, राइट. उसके बाद हमने दूसरी बाकी लैंग्वेजेस जो हैं स्पोकन लैंग्वेजेस. ओके, कोई बात नहीं राहुल, आई विल क्लैरिफाई ऑन दैट कि क्या है अभी रिसेंटली. ओके, तो ये हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया. बच्चों का जो क्वेरी है, आई विल रेक्टिफाई ऑन दैट कि क्लासिकल लैंग्वेजेस रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है वो मैं बता दूंगी आपको. ओके,